ओम श्री गणेशाय नमः। माय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, फॉर लास्ट 2-3 डेज बहुत ज़्यादा बिजी थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, जिसकी वजह से ना मैं लाइव आ पाई और ना ही मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स कर पाई। आई एम रियली सॉरी, बट येस नाउ आई विल ट्राई कि मैं दोबारा से जैसे पहले जल्दी जल्दी पोस्ट कर रही थी चीज़ें, और अभी भी करूं। और अभी मैं फ़िलहाल फ्रेंड्स आपके लिए रीडिंग जो बनाने जा रही हूं वो है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, हर एक राशि की। मैं वन बाय वन सबके कार्ड्स निकालूंगी, जो रेजोनेट हो प्लीज़ उसे लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है हर राशि की, तो इसे फोर्स मत कीजिएगा अपने ऊपर। और अगर क्लेम कर सकते हैं, लगता है कि मैच हो रही है तो क्लेम करें, नहीं तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। बट यस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी आपको लगी मेरी वीडियो। बाकी मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो कैंसर राशि, ये है आपके प्रेजेंट के कार्ड्स, ये है सॉरी पास्ट प्रेजेंट एंड दिस इज़ योर फ्यूचर कार्ड। तो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या निकला है, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहला पास्ट का कार्ड है न्यू विजन। तो ये कैंसर राशि आपके लिए कुछ न्यू विजन है। न्यू विजन होता है न्यू गोल्स, न्यू कुछ इस तरह की, कुछ आपने एक सपना एक ड्रीम देखा था अपने फ्यूचर के लिए। इनको हम क्लैरिफाई करते हैं क्या है ऐसा वो न्यू विजन। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड देन द टावर। ओके, तो पास्ट में जहाँ तक मुझे दिख रहा है, आपने एक सपना देखा था, एक गोल बनाया था अपनी लाइफ में कोई आगे बढ़ने का। ये रिलेशनशिप या बिजनेस कहीं पे भी हो सकता है, काम बिजनेस में करियर में, बट वहाँ पर जाकर शायद आपकी चीज़ें उस हिसाब से हुई नहीं। आपने बहुत बड़ा एक सेटबैक मिला, आपकी प्रॉब्लम्स में आपको कुछ दिक्कत झेलनी पड़ी, और तो कुछ इस तरह का टावर मोमेंट आपकी लाइफ में पीछे पास्ट में आया है। आप उस टावर मोमेंट से या तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, या अपनी लाइफ को एक एनालाइज मोड पे ले गए थे कि क्यों मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई हैं, कैसे मैं इन चीज़ों से बाहर आऊं, कैसे मैंने इतना एफर्ट भी लगाया, बट रियलिटी में आपको शायद उस टावर मोमेंट से बाहर निकलने का आपने एक रास्ता खोजने की कोशिश दिख रही है मुझे। क्योंकि न्यू विजन, विजन मतलब आप या तो बाहर निकलना चाहते थे, या फिर आपने एक विजन एक बनाया था कि कैसे आप लाइफ को आगे लेके जाएंगे। तो कुछ जो भी आपके देखे हुए प्लान्स थे, जो भी आपकी बनाई हुई एक रणनीति थी या चीज़ें थी, या एक भविष्य को लेकर एक सोचा हुआ पूरा प्लान था, वो उस अकॉर्डिंग शायद या तो चल नहीं पाया, या उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, या आप सोच में पड़ गए कि कैसे अब मैं इस टावर मोमेंट से बाहर आऊँ। कुछ इस तरह का आपका पास्ट मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो अभी फ़िलहाल आप बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। एक फुल कहते हैं ना 360 डिग्री चेंज आया आपकी लाइफ में इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। एक बहुत बड़ा बदलाव आप फेस कर रहे हैं और फील कर रहे हैं। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करें तो एट ऑफ का सोर्ड्स में आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं एंड एस ऑफ सोर्ड्स। देखें, ट्रांसफॉर्मेशन से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीज़ों में क्लैरिटी ज़रूर आई है, बट आप अपनी तरफ से अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप चीज़ों में अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाएं। नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आया आप आज भी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे दिख रहे हैं कि आप शायद कुछ एफर्ट नहीं करना चाहते। आपने लाइफ में एक अपने चैलेंजेस को या लोगों को, मतलब आपने सब कुछ हाथ पैर छोड़ दिया। आप शायद उन लोगों की तरफ या उन प्रॉब्लम्स की तरफ देखना ही नहीं चाहते, आपने उनकी तरफ एक पीठ कर ली है, मुँह कर लिया है। देखिए, मुझे पता है आप एक टफ फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों के चैलेंजेस के थ्रू मुँह ही कर लेंगे तो फिर जीत कैसे हासिल होगी। जब आप मेहनत करना चाहते हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आप एक नया एफर्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो
तो फिर उसके लिए आप अगर इस वाले मोड में रहेंगे तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी बल्कि स्ट्रेच हो जाएगी। तो जितना जल्दी आप ये अपनी पट्टियाँ उतार के और लाइफ को मतलब एक उस वाले जोन से बाहर आएंगे ना, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है, फ्यूचर में हो सकता है आप कुछ पॉलिटिक्स या तो खुद खेलें या लोगों की पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएं, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। देखिए, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में आप शायद चीज़ों से वॉकआउट करने की कोशिश करेंगे, या तो उन लोगों से वॉकआउट करने की कोशिश करेंगे जो आपको शायद दिखाते तो ये हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रूथफुल हैं, लेकिन वो है नहीं। आप अपनी लाइफ में अब शायद एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट करेंगे फ्यूचर में, जो कि इस पॉलिटिक्स से, इन चीज़ों से दूर होगी। अपने आप को एक तरह से डिटैच करेंगे इन सब चीज़ों की तरफ से, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को जो कि फ्यूचर में होगी। आप विड्रॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉलिटिक्स से और ड्रामेबाजी से। तो आपके लिए मुझे कुछ अच्छा ही दिख रहा है कैंसर राशि, क्योंकि आप अपने फियर्स से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं। तो अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे चीज़ों को, तो फ्यूचर में आप समझेंगे। देखो, सबसे पहला कार्ड आया है लेट गो का डिवाइन गाइडेंस में, फिर आया है नॉट द राइट टाइम, एंड अगला आया है सक्सेस। तो मे बी अभी अगर सक्सेस आपके लिए नहीं है, अभी सक्सेस आपको नहीं मिल रही, या चीज़ें ठीक नहीं अभी फ़िलहाल हो रही, इन द फ्यूचर इन द लॉन्ग रन होगा, बट वो तभी होगा जब आप लेट गो करोगे। मे बी आप लेट गो ही नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो राइट टाइम भी नहीं आ पा रहा। तो जब आप लेट गो करोगे तो राइट टाइम अपने आप आ जाएगा और सक्सेस भी आ जाएगी। ठीक है, तो रीडिंग में एक ही चीज़ मुझे समझ में आई है कि कैसे आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस चेंज को हैंडल करना है। अब ये चेंज को हैंडल करके कैसे आप उसमें से निकलोगे, धीरे 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 करके, लेट गो करके, तभी सक्सेस की तरफ आओगे। ओके फ्रेंड्स, कैंसर राशि ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको क्लियर हुई हो। अगर एनर्जी मैच हो तो क्लेम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना। फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।